कलयुग मां आज जो है बाप महतारी के लोग जिम्मेदारी निभाने के पामे, किंतु मध्य प्रदेश के एक जिला मां 15 साल से बुजुर्ग के जो है गौ भक्ति के मिसाल बन चुके हैं। उनके द्वारा जो है विधि विधान से एक गैया के अंतिम संस्कार की इनका विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल मां हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के, जहां प्रवचक बताया दी कि कलयुग मां जहां लोग अपने माता पिता के प्रति जो है जिम्मेदारी नहीं निभा पावर लगा ही, ऐसा में इंदौर जिला के देपालपुर जो है तहसील मां एक छोटे से गाँव करजोदा में जो है निवासी रामेश्वर जी बड़वाया चौहान के द्वारा एक मिसाल पेश की गई। उनके द्वारा अपने यहाँ पिछले 14 साल से पल रही एक गौ माता के अंतिम संस्कार का यह तरह से विधि विधान पूर्वक संपन्न किया कि लोग देखत रहेंगे। गौ रक्षा और गौ सेवा की बात करे वाले जो है रामेश्वर जी के द्वारा जो है बतावा गया कि ये एक मिसाल पेश करी थी। अपना बच्चे को बताया दी कि उनके द्वारा ये गाय का पिछले 15 साल से पाला गया, उनके बच्चे गाय लालन पालन किएगा, लेकिन अंत में जब वह गाय प्राण त्याग के देवलोक गमन कही गए तो उनके द्वारा बकायदा पूरे गांव में गौ माता की शोभा यात्रा निकलवाई गए। बाद में वह गाय का दफनावा गया। रामेश्वर जी इतने मन ही रुके, उनके द्वारा गाय के मृत्यु के 13 दिन पश्चात आत्मा की शांति खातिर पूरे गाँव में लोगन का निमंत्रित किएगा और भंडारा के आयोजन किएगा। आसपास के क्षेत्र के लोग अब जहाँ रामेश्वर जी के गो भक्ति की बात कह रहे हैं, वहीं उनके द्वारा पशु प्रेम के मिसाल के प्रशंसा पूरे क्षेत्र में की जा रही। गौ माता की अंत्येष्टि मां कीन के भंडारे के दौरान सभी लोग रामेश्वर जी से मिले पहुंचे और उनका अभिवादन करी और गाय माता के लगी तस्वीर के सामने से नमन करी। नफरा पचक बताया दी, हालांकि 68 वर्षीय रामेश्वर जी ज्यादा लोगन के बातन के जवाब नहीं दे रहे, कहे कि वो ठीक से सुन नहीं पावे, लेकिन उनके चेहरे पर या जो है सदमा माँ जो है दर्द रहा और ओके क्रिया कर्म के बाद संतुष्टि जो है देखत बना रही। रामेश्वर जी के पूरा परिवार यह दौरान उनके साथ रहा और गौ भक्ति के मिसाल जो है या साक्षी रहा। पूरे मिसाल के सीधे तौर पर समझी कि आज जहाँ पशु से लोग जो है दूर जा रहे हैं, प्रकृति से दूर जा रहे हैं, आज जो गौ की स्थिति है, गाय भले हम कब जिनका किताबन में पढ़ावा जाते हैं कि माता के दर्जा दीनगा है, किंतु सबसे बड़ी बात कि ये समय जो में गैयन के और पशुन के दुर्गति है वह वास्तव में केहू छुपी नहीं है। गौ माता जब भर दूध देती हैं तो वो का खूब बनही खूब खवाई खूब पियही, किंतु जहाँ दूध बंद भा तो छोड़ देते आवारा पुष्प बन के और फिर वह गाय के दुर्गत शुरू हो जाती। किंतु हम सलाम करी थे एमपी संदेश न्यूज 24 के या चैनल के माध्यम से कि ऐसे गौ भक्ति यदि वास्तव में लोग करे ला गए तो निश्चित तौर पर घर में शुद्ध दूध के साथ साथ वह गौवंश के एक संरक्षण हो पाएगा। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।